दोस्तों यदि आप भी अपने सफेद बालों से परेशान हो चुके हैं, बालों को काला करना चाहते हैं, उम्र से पहले बाल सफेद हुए हों या फिर एक उम्र आने पर सफेद हों, दोनों चीजों में अंतर होता है दोस्तों। उम्र आने पर बाल सफेद होते हैं, तो चलिए भाई हमारी उम्र हो गई 70-80 साल के, तब हमारे बाल सफेद हुए हैं। आजकल 40-50 की एज से ही बाल सफेद होने लगे। आज मैं आपके लिए एक नेचुरल हेयर डाई का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं इस्तेमाल करूंगी मेहंदी का। अब आप ये मत बोलिएगा कि मेहंदी है ये हमारे बालों को ऑरेंज कलर देगी। जी नहीं दोस्तों, मेहंदी जो है एक नेचुरल हेयर डाई है। मेहंदी क्या है? एक पौधे की पत्तियां हैं, तो ये हमारे बालों को नुकसान कैसे कर सकती हैं? मेहंदी का पौधा होता है, इसकी पत्तियों को सुखाकर ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाया जाता है और हम तक मार्केट में इसे बेचा जाता है इस रूप में, मेहंदी के पाउडर के रूप में। मेहंदी बालों को कंडीशन करती है, बालों को सुंदर सा कलर देती है और साथ ही साथ हमारे स्कैल्प से ड्राईपन की समस्या को दूर करती है। हमारे बालों को मेहंदी पोषण देती है, हीना बालों को मजबूत बनाती है। साथ ही साथ दोस्तों डैंड्रफ रूसी की समस्या को दूर करती है मेहंदी। तो यहाँ पर आपको अपने बालों की लंबाई के अनुसार ही मेहंदी का इस्तेमाल करना है। बाल छोटे हैं तो कम से कम 4 टेबल स्पून मेहंदी का इस्तेमाल करें। बाल लंबे हैं तो कम से कम 6 चम्मच मेहंदी का इस्तेमाल करेंगे आप। दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, वो है इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर और मेहंदी दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है। मेहंदी बालों को थोड़ा ऑरेंजिश टोन देती है हल्का सा, और इंडिगो पाउडर बालों को काला बनाता है। बहुत से लोग पहले मेहंदी लगाते हैं उसके बाद दूसरे दिन इंडिगो का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास रोज़ रोज़ टाइम नहीं होता कि एक दिन हम मेहंदी का पैक लगाएं और एक दिन इंडिगो का पैक लगाएं। आज इस वीडियो में दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना बताऊंगी, ताकि आपके बालों को अच्छा चटक काला मिले। दोनों की समानता एक होती है, दोनों ही बालों को कलर देते हैं, सफ़ेद बालों को रंग देते हैं। यहाँ पर मैंने मेहंदी को पहले घोल लिया था, रात भर मैंने मेहंदी को चाय पत्ती के पानी में डुबाकर रखा था। चाय पत्ती टी लीफ जो होती है ना दोस्तों, उसे मैंने पानी में उबाल लिया, छान लिया, उसके पानी में मैंने मेहंदी को डुबा दिया। अगर मेहंदी को आप लोहे की कढ़ाई में रात भर भिगाएंगे तो और भी अच्छा कलर आएगा, परंतु कम से कम 4 घंटे जरूर भिगाएं। मेहंदी को हमें सोक करना पड़ता है, इंडिगो को कभी भी भिगाया नहीं जाता है। इंडिगो का इस्तेमाल आप तुरंत करें, परंतु मेहंदी को सोक करके रखें। रात भर मेहंदी को लोहे के बर्तन में रखने से मेहंदी अपने डाई को बहुत अच्छा रिलीज करती है और बालों में लंबे समय तक काला रंग टिका रहता है। सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार आपको इस हेयर पैक को लगाना है। कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे सफ़ेद बाल रहेंगे ही नहीं। मैंने खुद ने अपने जो मेरे कुछ कुछ आगे के बाल, माथे के ऊपर के बाल मेरे कुछ कुछ सफ़ेद थे, 10-15 बाल, अब वे काले हो चुके हैं, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। 15 दिन में एक बार इस हेयर मास्क को लगा लेती हूँ या फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ तो वही हेयर मास्क लगाती हूँ, तो मुझे सफ़ेद बाल की समस्या उतनी नहीं होती है। अगली चीज, मेहंदी को मैंने भिगा कर रख दिया था, 5-6 घंटे भीग चुकी, परंतु इंडिगो आपके सामने गर्म पानी से भिगा रही हूँ। कभी भी ठंडे पानी में इंडिगो को ना भिगाए, अच्छे से मिलता नहीं है, गुठलियाँ रह जाती। हल्का गर्म पानी लिया है, धीरे धीरे मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। इंडिगो को भिगाने के लिए कोई चाय पत्ती का पानी, मेथी का पानी, कुछ भी नहीं चाहिए। सादे पानी में, प्लेन वाटर, हल्के गर्म पानी में इंडिगो को भिगाया जाता है। इंडिगो को भिगा कर नहीं रखना है, आपने इसे पानी में सोक किया, लगा लीजिए। 10 मिनट चाहें तो रख सकते हैं आप, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, ये अपने आप ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो दोनों ही हमारे सफ़ेद बालों की समस्या को दूर करते हैं, प्री मैचर ग्रे हेयर से हम से प्रिवेंट करते हैं, बाल काले होंगे। और साथ ही साथ इसमें कोई केमिकल नहीं है। इंडिगो क्या है? इंडिगो भी मेहंदी के जैसे ही पौधे की पत्तियां हैं। इंडिगो का पेड़ होता है दोस्तों, पौधा होता है, उसी पौधे की पत्तियों को सुखाकर पीस कर इंडिगो पाउडर बनाया जाता है। मतलब दोनों ही हर्ब्स हैं, मेहंदी इंडिगो, और जब हम दोनों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो हमें इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है दोस्तों। हीना को लोहे के बर्तन में भिगाया जाता है और सोक किया जाता है 5-7 घंटे या रात भर। मैं और इंडिगो में यही अंतर है कि तुरंत ही इसे लगा सकते हैं, इसे भिगाने के लिए सादा पानी चाहिए। और दोनों ही सफ़ेद बालों को जड़ से काला बनाते हैं, बालों को मजबूत करते हैं। दोनों को यदि लगातार कुछ समय तक आप इस्तेमाल करेंगे तो परमानेंट आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे। इसके अलावा खाने का भी ध्यान रखें और हेल्दी फूड लें, और साथ ही साथ दोस्तों बालों को आप बालों का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल ना करें। तो मेहंदी को जिसे मैंने 4-5 घंटे भिगाया था, उसी पैक में मैंने तुरंत ही इंडिगो को घोला है और अब आपको मिलाना है।
इंडिगो को मेहंदी के साथ मिलाकर रात भर नहीं रखना है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसलिए मैंने इंडिगो को अलग कटोरी में पानी में भिगाया और मेहंदी के पैक में मिला दिया। जब भी आपको लगाना है तभी आप इंडिगो मिलाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके बाल जड़ से मजबूत होने के साथ साथ काले होंगे। और दोनों ही चीज़ें बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और दोनों में डिफरेंस तो मैंने आपको समझा ही दिया है। और इंडिगो बालों को बहुत चटक काला रंग देता है और लंबे समय तक बालों में कालापन टिका रहता है। पूरे बालों की जड़ों पर लगाएं आप, बालों की पूरी लंबाई पर लगाएं, कम से कम एक घंटा लगा कर रखेंगे ना आपके बाल 15 दिन आपको शायद देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं हमेशा इसी नेचुरल तरीके से अपने बालों को काला करती हूँ, पूरे बालों की लंबाई पर लगाएं। आप अपने बालों को किसी भी शॉवर कैप से या वेजिटेबल पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं। दोस्तों आज इस उम्र में, मेरी भी 56 ईयर की उम्र में, मेरे जो 10-12 बाल सफ़ेद हैं आगे के माथे के पास के, उन्हें मैं ऐसे ही काले करती हूँ। कभी भी मैंने केमिकल के डाई का इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार आपने केमिकल हेयर डाई का इस्तेमाल किया, आपके सारे के सारे काले बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, बल्कि हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। जितना हो सके केमिकल की चीज़ों से बच कर रहें, हमेशा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। और ये तो पौधे की पत्तियां, हर्ब्स हैं दोस्तों, लीव्स हैं, ये हमारे बालों को नुकसान कैसे करती हैं, ये सफ़ेद बालों को काला करती हैं और हमारे बालों के लिए दोनों चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बाल लंबे समय तक खूबसूरत रहेंगे। तो बस मैंने भी अपने बालों में लगाकर बालों को बांध लिया है और इसे कम से कम आप 45 मिनट से एक घंटा तक ज़रूर रखें, खूब अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो आप भी इसी तरह से किसी भी हेयर पैक को, हमें सुखाना नहीं कि आप सोचें ऐसे ही खुला छोड़ दें, इससे क्या होता है दोस्तों, बाल मेहंदी सूख जाती है और बाल कड़क हो जाते हैं तो बाल टूटते हैं। बालों की सेफ्टी के लिए आप सब्जी की थैली पॉलीथीन से कवर करें तो, और एक घंटे के बाद सादे पानी से हेयर वॉश करें, शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, रात को ऑयलिंग करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।